नमस्कार, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि रविवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 21 जून को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण कुंडलाकार है। इस तरह के ग्रहण में सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढका हुआ दिखता है, इस कारण ये पूर्ण सूर्य ग्रहण से भिन्न होता है। इस बार ये ग्रहण भारत के अलावा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, यूथोपिया, पाकिस्तान और चीन सहित अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। आषाढ़ अमावस्या में लगने वाला सूर्य ग्रहण लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार के इस सूर्य ग्रहण में कई संयोग बनने वाले हैं। 21 जून को लगने वाले इस ग्रहण के दौरान सूर्य कर्क रेखा से ठीक ऊपर होगा। इसके अलावा ये दिन साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो इससे पहले 2001 में यानी कि 19 साल पहले 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। शास्त्रों के अनुसार रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और इस बार का ग्रहण भी रविवार के दिन ही पड़ रहा है। वहीं इस दिन 9 ग्रहों में से 6 ग्रह वक्री यानी उल्टे चाल में चलेंगे। ग्रहण का सूतक काल 20 जून रात 9:25 से ही शुरू हो जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार ग्रहण से 12 घंटे पहले से लेकर खत्म होने के 12 घंटे बाद तक सूतक रहता है। इस दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और सुनसान जगहों पर जाने से बचें। इसके साथ ही कोशिश करें कि ग्रहण से 12 घंटे पहले ही भोजन कर लें। हालांकि छोटे बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं 4 घंटे पहले तक खाना खा सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण के बाद मुमकिन हो तो घर में मौजूद पानी भी बदल लें। कहा जाता है कि ग्रहण के बाद पानी दूषित हो जाता है। देश में सूर्य ग्रहण का प्रारंभ सुबह 9:15 के करीब होगा और इसकी समाप्ति 3:04 पर होगी। ग्रहण की कुल अवधि 6 घंटे की होगी। वहीं सूर्य ग्रहण दोपहर 12:10 पर अपने चरम पर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।